आप सब में से कई से कई सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर जो आपकी 25 जुलाई से स्ट्रक्चर गुरुकुल की बैच स्टार्ट होने वाली है, उस बैच में आप क्या क्या चीजों को कवर करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को पढ़ाते हैं, उसको पढ़ने से हमारा फायदा क्या होगा, क्या मुझे अपना बिजनेस करना है तो उसको सीखना चाहिए, क्या मुझे जॉब करनी है स्ट्रक्चर में तो मुझे सीखना चाहिए, कौन कौन से लोग उसके लिए अपीयर है, मीन्स कौन कौन से लोग उसको कर सकते हैं, कंप्लीट ब्रीफ में आपके सारे डाउट का एक वीडियो के अंदर सोल्यूशन दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण पटेल, आप देख रहे हैं YouTube Excel Phoenix। गाइस आप सब में से कई से कई सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर जो आपकी 25 जुलाई से स्ट्रक्चर गुरुकुल की बैच स्टार्ट होने वाली है, उस बैच में आप क्या क्या चीजों को कवर करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को पढ़ाते हैं, उसको पढ़ने से हमारा फायदा क्या होगा, क्या मुझे अपना बिजनेस करना है तो उसको सीखना चाहिए, क्या मुझे जॉब करनी है स्ट्रक्चर में तो मुझे सीखना चाहिए, कौन कौन से लोग उसके लिए अपीयर है, मीन्स कौन कौन से लोग उसको कर सकते हैं, कंप्लीट ब्रीफ में आपके सारे डाउट का एक वीडियो के अंदर सोल्यूशन दे देता हूं, जिससे कि आपको लाइफ में कभी भी डाउट आए कि सर के स्ट्रक्चर गुरुकुल में क्या होता है, मैं भी एक वीडियो शेयर कर दूं, आपको कंप्लीट क्लियर हो जाए। कोशिश करूंगा जितने आपके क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि 10 मिनट पेशेंस के साथ, क्योंकि इस रील्स वाली दुनिया में पेशेंस बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि 10 मिनट पेशेंस के साथ हमारे साथ रहिए। और साथ ही साथ अगर आपको समझ में आया कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को क्या क्या एबिलिटी चाहिए, एक कंसल्टेंसी खोलने के लिए क्या क्या एबिलिटी चाहिए, तो 10 मिनट आप अपना टाइम स्पेंड करिए, बहुत कुछ अर्न करके जाएंगे। साथ ही साथ अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और कोई भी क्वेरीज होगी तो मतलब, क्योंकि मैं तो सारे क्वेश्चन कवर करूंगा बट जरूरी नहीं कि आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाए, तो यहाँ पे एक नंबर दिया है, उस पर आप अपना सिलेबस भी ले सकते हैं ब्रीफ में। मैं यहाँ सिलेबस दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको कंप्लीट गाइड करने आया हूँ, तो सिलेबस भी आप ले सकते हैं, साथ ही साथ और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस जो मैंने स्ट्रक्चर गुरुकुल की बैच स्टार्ट किया था उसका पूरा एम बताता हूं आपको। उसका एम ये था गाइस कि हम तीन चीजों को अच्छे तरीके से कर सके, तीन क्या एक्चुअली हम कर सके चार चीजों को, बट तीन चीजें हमारे लिए मेन थी। कौन कौन सी तीन चीजें थी गाइस? ठीक है, स्ट्रक्चर गुरुकुल की सबसे पहली चीज थी कि किसी भी एक इंजीनियर को सबसे पहले क्या आना चाहिए गाइस, प्लानिंग के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्या अगर वो प्लान नहीं कर सकता है, सेक्शन नहीं बना सकता है, एलिवेशन नहीं बना सकता है, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स नहीं बना सकता है, तो गड़बड़ है। तो हमारा एम क्या था कि सबसे पहले एक स्ट्रक्चर, कोई भी सिविल इंजीनियर है इस वीडियो को लिए, मींस इस कोर्स के लिए मिनिमम डिग्री एलिजिबिलिटी है गाइस, डिप्लोमा वालों के लिए कोर्स नहीं है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो देखिए। तो प्लानिंग आपको सबसे पहले आनी ही आनी चाहिए, कोई भी आपसे प्लान करवा सकता है, सेक्शन एलिवेशन स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स बाय लॉ के अकॉर्डिंग प्लान करना, वास्तु के हिसाब से प्लान करना, ये आपको आना चाहिए। तो पहला हमारा टारगेट था ये। दूसरा टारगेट था गाइस किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर को डिजाइन करना आना चाहिए। जब डिजाइन की मैं बात करूं तो आप समझ जाइए कि स्ट्रक्चर डिजाइन की बात हो रही है, किसकी, स्ट्रक्चर डिजाइन की, जिसमें एनालिसिस और डिजाइन दोनों ही इंक्लूड है। ठीक है, तो उसको डिजाइन करना आना चाहिए। तीसरा जो मेरा एम था वो एम ये था गाइस कि अगर किसी ने अपनी कंसल्टेंसी अगर खोल लिया, ठीक है जॉब करने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी ने अपनी कंसल्टेंसी खोलना चाहा तो उसको मॉडलिंग आनी चाहिए गाइस। अगर मॉडलिंग नहीं आ रही है तो उसका काम खराब हो जाता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कोई एक बंदा गया बोला ये मैं मॉडल एग्जैक्टली ऐसा घर बना के दे दूंगा, अब आपके पास कोई क्यों आएगा, क्योंकि जो मॉडलिंग दे रहा है उसके पास चला जाएगा। आप तो पूरी 2D में ड्राइंग दिखा रहे थे, ड्राइंग्स एज अ इंजीनियर हम तो समझ लेते हैं, बट जो क्लाइंट होते हैं वो इंजीनियर तो नहीं है ना, तो वो जनरल आइडिया लगाते हैं बट उनको पूरा क्लियर नहीं हो पाता कि एग्जैक्ट मॉडलिंग में क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको प्लानिंग, डिजाइन और मॉडलिंग, ये तीन चीजें आनी चाहिए। इन्हीं तीनों के बिहाफ पर मैंने स्ट्रक्चर गुरुकुल को स्टार्ट किया था गाइस, जिसमें प्लानिंग करने के लिए मैंने आपको सिखाया इसमें ऑटोकैड। क्या गाइस? ऑटोकैड। ठीक है, अब जब मैं ऑटोकैड बोलता हूं मैं कभी टूल्स की बात नहीं करता हूं, टूल्स तो सीखते ही सीखते हैं। टूल्स के बाद जो सबसे मेन होता है गाइस, वो मेन होता है इसमें कि आप बिल्डिंग बाय लॉ समझे, आप रेरा समझे, आप वास्तु के रूल समझे, कुल मिला के ऑटोकैड के अंदर आपका प्लानिंग वाला काम हो जाएगा, इवन स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स भी इसी के अंदर हो जाएगा। अच्छा, डिजाइन के लिए क्या यूज करना चाहिए गाइस? डिजाइन में थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये मेन कोर्स डिजाइनिंग का है। तो डिजाइनिंग में गाइस जो छोटी बिल्डिंग्स होती हैं, जो G+5 तक की बिल्डिंग होती है, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैट्रो को। किसको यूज करते हैं गाइस? स्टैट्रो को, जैसे कि G+1 है, G+2 है, G+3 है, G+4 है, इन सब के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर हो जाता है आपका स्टैट्रो, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। अब किसी को अपना वेयर हाउस वगैरह डिजाइन करवाना है, मीन्स स्टील स्ट्रक्चर करवाना है, ठीक है, तो अगर आप इसमें इस करना चाहें इसमें RCC भी कर सकते हैं गाइस, और स्टील के लिए तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर अगर कोई है तो स्टैट्रो ही है। तो स्टील स्ट्रक्चर कोई वेयर हाउस वगैरह बनाना है वो भी डिजाइन कर लीजिए, और RCC के G+5 तक तो बहुत आराम से इसके अंदर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। अब बोलोगे सर उसकी फुटिंग का डिजाइन कहाँ से करेंगे? तो इसी का एक भाई है, उसका नाम क्या है,
स्टैट फाउंडेशन, क्या कहे, स्टैट फाउंडेशन, ठीक है। तो स्टैट प्रो से आपने क्या किया, आरसीसी का या स्टील का डिजाइन कर लिया, स्टैट फाउंडेशन से गए आप उसका बढ़िया सा फाउंडेशन का डिजाइन कर लिए। अब क्लाइंट को सबमिट करना है, तो क्लाइंट को सबमिट करने के लिए इसी में एक सॉफ्टवेयर ऐड करना पड़ता है जिसका नाम है आरसीडीसी। क्या नाम है गाइस, आरसीडीसी। आरसीडीसी से क्या कर सकते हो आप, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स निकाल सकते हो, उसमें थोड़ी एडिटिंग करके क्लाइंट को आराम से सबमिट कर सकते हो। तो ये काम किसको हो गया गाइस, स्टैट प्रो, स्टैट फाउंडेशन और आरसीडीसी से। अब आप बोलोगे सर क्या स्ट्रक्चर के लिए बस स्टैट प्रो और स्टैट फाउंडेशन आरसीडीसी इनफ है? नहीं, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग की एनालिसिस करोगे जिसमें डायनेमिक एनालिसिस करना पड़ेगा, तो डायनेमिक एनालिसिस लाइक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, टाइम स्ट्री एनालिसिस, पुश ओवर एनालिसिस, पी डेल्टा इफेक्ट्स, ये सब चेक करना है। तो उसके लिए क्योंकि हाई रेज बिल्डिंग बनाओगे, तो हाई रेज बिल्डिंग्स को गैस किस पर हम लोग डिजाइन करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ई टैप्स, हाई रेज बिल्डिंग के डिजाइन के लिए। इसका सिंपल सा आपको ट्रेलर बता दूं, बुर्ज खलीफा जैसी जो हाई रेज वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वही टैप्स पर डिजाइन हुई है। अब इससे अनुमान लग गया होगा कितनी हाई रेज बिल्डिंग बना सकते हैं इसके ऊपर, मतलब किसी को भी हाई रेज बिल्डिंग पर वर्क करना है, डायनेमिक एनालिसिस करना है। स्टैटिक के लिए तो स्टैटिक बहुत अच्छा रहता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ये नहीं कि थ्योरी कहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ई टैप्स पर आप डायनेमिक एनालिसिस बहुत आराम से कर सकते हैं, G+20 करिए, G+25 करिए, G+15 करिए, G+10 करिए, तो ये सब कुछ आप ई टैप पर आराम से डिजाइन कर पाते हो। उसके साथ आप बोलोगे सर ई टैप पर क्या बीम कॉलम के अलावा क्या स्लैब भी डिजाइन हो जाता है, फुटिंग भी डिजाइन? नहीं, स्लैब और फुटिंग के लिए इसमें सॉफ्टवेयर ऐड करना पड़ता है सेफ, ESI सेफ। सेफ सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है गाइस, ये स्लैब के डिजाइन करता है, स्लैब के साथ फाउंडेशन जिसे मैट फाउंडेशन, राफ्ट जिसको बोलते हो, पाइल फाउंडेशन, जो कॉम्प्लिकेटेड फाउंडेशन हो बहुत इजिली सेफ सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दे देता है। वन बी स्लैब, टू बी स्लैब को भी डिजाइन करके दे देता है, फ्लैट स्लो को भी डिजाइन करके दे देता है। हर तरीके की स्लैब को डिजाइन करने का सबसे बेस्ट, हर तरीके के फाउंडेशन को डिजाइन करने का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर ETAP है, सेफ, ठीक है जी। तो ये आपके समझ में आ गया, ETAP और सेफ से हमारा तो हाई रेज बिल्डिंग का सारा काम हो गया, छोटी बिल्डिंग के लिए स्टैट प्रो, स्टैट फाउंडेशन और आरसीडीसी से सारा काम हो गया। ये मेरा स्ट्रक्चर का जो गाइस इस 4 महीने के गुरुकुल का सबसे मेन ब्रीफ सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है गाइस, डेफिनेटली जब आपने डिजाइन कर लिया तो आपको लगे ना कि यार मॉडलिंग भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो मॉडलिंग के लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड रेविट। किसको गाइस, रेविट। रेविट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर रेविट आर्किटेक्चर, करते हैं सबसे पहले किसके लिए, रेविट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के लिए, रेविट स्ट्रक्चरल 3D डिटेलिंग्स के लिए। जो आप यहाँ पर 2D में डिटेलिंग करते थे ऑटोकैड में, अब थोड़ा टाइम बदल रहा है ना, अब लोग चाह रहे हैं कि 3D में डिटेलिंग हो, उसके लिए रेविट स्ट्रक्चर 3D के लिए, रेविट आर्किटेक्चर 2D के मॉडलिंग करने के लिए, सॉरी रेविट स्ट्रक्चर 3D डिटेलिंग के लिए और रेविट आर्किटेक्चर मॉडलिंग करने के लिए पूरा का पूरा यूज करते हैं। तो अब इसको मैं पूरा समराइज कर देता हूँ, साथ ही साथ ये बोलूंगा कि आपका डिजाइन सही है कि नहीं सही है, उसको कैसे चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ मैनुअल प्लस एक्सल, मैनुअल प्लस एक्सल। तो इससे क्या होता है आपका डिजाइनिंग भी कवर हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा इस पर इधर उधर ज्यादा लिख दिया हूँ, एक ब्रीफ बता देता हूँ, चाहूंगा थोड़ी वीडियो लंबी ही बने, देखो सब ऐसी बात कैसे, जब बड़ा टॉपिक होता है तो टॉपिक लंबा बनता है वीडियो, थोड़ा सा वेट करिए, मैं थोड़ा इसको मूव कर दूँ, ठीक है जी। और मूव करने के बाद इसी में थोड़ा ब्रीफ करने का प्रयास करता हूँ, एक लाइन में आंसर कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो पहला गाइस हम लोग ये 4 मंथ गुरुकुल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे गाइस, सबसे पहले ऑटोकैड, ठीक है। ऑटोकैड के बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर सीखेंगे दैट इज कॉल्ड स्टैट प्रो, ठीक है, इसी में ऐड कर दीजिए स्टैट फाउंडेशन, ठीक है। इसके बाद आपका गाइस आरसीडीसी, फिर ई टैप्स, सेफ, मैनुअल प्लस इसी में ऐड कर दीजिए एक्सेल। गैस ये 4 मंथ की आपकी मेहनत है जो आप सीखने वाले हो, ठीक है जी। इसके बाद आप सीखते हो रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट सीरीज होता है 4 महीने का। आप बोलोगे सर ये सॉफ्टवेयर तो आपके यूनिक सिविल ऐप में है और वहां से हम आराम से सीख सकते हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर के थ्रू, आपके दिमाग में आ गया राइट। तो गुरुकुल को क्यों ज्वाइन करें, गुरुकुल को ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, तो चलिए वो भी ब्रीफ कर देता हूँ कि गुरुकुल में क्या बेनिफिट होने वाला है। गाइस गुरुकुल ज्वाइन करते हैं 4 महीने का जो लाइव ट्रेनिंग है इसमें क्या बेनिफिट होगा,
इसमें बेनिफिट के लिए गाइस थोड़ा सा इसको और मूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, थोड़ा मूव कर दे रहा हूँ, हो जाओ भाई थोड़ा मूव। हाँ ठीक है, हो। अब देखिए गाइस, गुरुकुल में ट्रेनिंग का सबसे बेनिफिट क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट गुरुकुल में गाइस है, आपका यहाँ पर हर मंडे को मॉक इंटरव्यू होता है। ये इतनी खतरनाक चीज है गाइस कि आपके इंटरव्यू के फियर को एकदम से खत्म कर देती है। हर मंडे को मॉक इंटरव्यू, एक मंडे को आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डायनेमिक एनालिसिस, व्हाट इज सेकंड ऑर्डर एनालिसिस। सोचिए कितनी बार ब्रीफ करोगे, व्हाट इज बोर्ड शेप, व्हाट इज एफईएम, किस तरीके से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक, व्हाट आर द सेस्मिक जोन इन इंडिया, व्हाट इज विंड एनालिसिस, व्हाट इज बेस ईयर, व्हाट इज ईयर फोर्स, व्हाट इज मिनिमम, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब आपको पता चल जा रहा है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे। ये हम लोग हर मंडे को कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट मॉक इंटरव्यू आपको मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट गाइस, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है गाइस कि आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट आपने देखा यूट्यूब पर, मेरे ही वीडियो देखा कि स्टैटिक एनालिसिस में सेस्मिक एनालिसिस कैसे करेंगे, आपने एक बिल्डिंग पर कर दिया, आपको पता नहीं हो सही किया है कि नहीं किया है, तो मैं गाइस यहाँ पर लाइव प्रोजेक्ट आपको एवरी डे देता हूँ और एवरी डे आपके प्रोजेक्ट को चेक करके वही सॉल्व कर देता हूँ। कॉलम ओरिएंटेशन गड़बड़ है क्या, बीम की डेप्थ ज्यादा है क्या, डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है क्या, सीयर ज्यादा आ रहा है क्या, आपको लाइव प्रोजेक्ट का तुरंत के तुरंत एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि हाँ यार अपने सही किया, सर ने तो ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो दूसरी बेनिफिट ये। तीसरा जो बेनिफिट गाइस इसके अंदर बहुत अच्छा होता है वो होता है, हर कंपनी के अंदर कैट टेस्ट होता है गाइस। क्या होता है? कैट टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर 15 से 20 दिन पर आपके जैसे सब्जेक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जिस सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके हिसाब से आपको एक टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको कैट टेस्ट करना रहता है, निगेटिव मार्किंग रहती है। उससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये है आपकी आई एस कोड। ठीक है भैया, देखिए एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर आपको आई एस कोड नहीं याद, जैसे कि आई एस 456, आई एस 800, आई एस 1893, चाहे आई एस 875 के सारे पांचों पार्ट्स, इन सब की जो डिस्कशन होता है गाइस वो हम लोग लाइव के अंदर पूरा ब्रीफ में करते हैं। ठीक है जी, SP34, इन सब का पूरा ब्रीफ डिस्कशन से क्या होता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आप डिजाइन कर रहे हैं, बट आईएस कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना, मतलब समझ रहे हैं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा, वो कोई आपसे कुछ बोलेगा आप बोलोगे जाके क्लॉज नंबर ये चेक कर लो भाई, तो आपके पास आईएस कोड का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे तरीके से गुरुकुल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, मैं इस अपने गुरुकुल के बैच के अंदर आपको सिखाता हूँ कि हमें क्लाइंट से कैसे प्रोजेक्ट लेना है, कैसे प्रोजेक्ट को करके सबमिट करना है। मींस अगर आप एक फ्रीलांसर है बनना चाहें या फिर आप अपनी कंपनी खोलना चाहें, तो बहुत आराम से इस 4 महीने के गुरुकुल में जितना मैं सिखाता हूँ, कैसे प्रोजेक्ट लेना है, कैसे प्रोजेक्ट को सीट में कन्वर्ट करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे बायर मार्केट के अंदर से काम उठाना है, वो सब कुछ बहुत ब्रीफ में इस गुरुकुल के अंदर आप सीखते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा गाइस हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, आपका यहाँ पर रिटन एंड MCQ टेस्ट होता है। उसे क्या होता है, आपको ये आइडिया लग जाता है कि ऑटो कैट पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टैट प्रो पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ईटैट पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेफ पर, मतलब आपको एकदम ब्रीफ आइडिया लग चुका है। वैसे तो मॉक इंटरव्यू से काफी काम हो जाता है, बट इससे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है। समटाइम्स हम रिटन कर देते हैं रिटन टेस्ट, तो उसे और ज्यादा क्लैरिटी बढ़ती है। इसमें तो HR और टेक्निकल दोनों रहता है, इसमें आपका MCQ, क्योंकि कोई जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है उनमें MCQ टेस्ट भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये गुरुकुल का कोर बेनिफिट है गाइस। इसके अलावा नो डाउट जब आप लाइव रहते हैं तो आपके जितने डाउट्स होते हैं माइंड में, स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट डाउट्स गाइड। ठीक है, तो जितने डाउट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे डाउट्स आपके एकदम ब्रीफ में क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, क्योंकि आप पूछ रहे हो कि सर मेरा सीयर ज्यादा आ रहा है क्या, मेरी जो SFD मैंने निकाला हुआ है स्टैट प्रो पे SFD कुछ और आ रहा है, मैनुअल में कुछ और आ रहा है, ये भी आपका कौन क्लियर हो जाता है। उसके अलावा गाइस मैं इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स कवर करता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मतलब बताता हूँ गाइस, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स कौन कौन से मैं कवर करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आपके शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, ठीक है, आपका मोमेंट ऑफ गायरेशन क्या है, ठीक है, आपका डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, डिफ्लेक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे, SP34 के अकॉर्डिंग कैसे क्रैंक बार डालेंगे, क्रैंक बार के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा ब्रीफ में। इवन आप बोलिए तो हम डेली ही इस टॉपिक को करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को हर ट्यूजडे से लेकर फ्राइडे तक रेगुलर ये चलता है। इसे क्या होता है, आपने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी कम पढ़ी है, वो भी पूरा रिटन में क्लियर हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुकुल के बैच का फायदा क्या है और ऑल इन वन का फायदा क्या है। दोनों को मिक्स करते हैं, 1.5 घंटे ये रहता है, 1.5 घंटे ये, और उसके बाद सारा कुछ
आपका 2 घंटे का मेहनत, उसका रिजल्ट आता है कि स्ट्रक्चर के अभी हमारे लास्ट बैच में गए रैमबॉल, आप देखेंगे वर्ल्ड की जो टॉप कंपनी है उसमें नाम आता है टॉप 10 के अंदर, रैमबॉल में हमारे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, कैसे, इनके और उसके मेहनत से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट सक्सेस आपको मिले स्ट्रक्चर के अंदर, 4 महीने आप अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी आपको है, यहाँ पे फी के लिए भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा, 20,000 का इसका फी रखा गया है। क्यों? मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग डेप्थ में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को सीखे, जब सीखेंगे तभी जाके वो आगे वर्क कर पाएंगे। साइट पर आप कितने घंटे खड़े हो, कैसे खड़े हो, यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब है, 4 साल 3 साल काम किया उसके बाद अपना सेटअप खोला, यहाँ बस सिखा ही रहा हूँ फ्रीलांसिंग और अपना एंटरप्रेन्योरशिप, आराम से आपने लाइसेंस बनवाया, मैं लाइसेंस वगैरह सब गाइड करता हूँ गाइस, लाइसेंस बनवाया, पोर्टफोलियो अच्छा से बनाया, उसको कैटलॉग में कन्वर्ट कर दिया, आराम से घर पर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करो, या फिर 4-4 आर्किटेक्ट से मिलकर डायरेक्ट फ्रीलांसिंग वर्क उठाओ, घर पर बैठ के वो करो, कुल मिला के इसमें आप जॉब भी कर सकते हो और अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो। ये है, हो सकता है अगर कोई डाउट क्वेश्चन रह गया हो तो यू कैन बी आस्क, बट ये हमारी गारंटी है कि स्ट्रक्चर में आपको आने वाले 2 से 3 साल तक जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये हमारा सिलेबस 100% सफिशिएंट है उसके लिए। और पिक्चर्स नहीं दिखा पाया, इससे हो सकता है आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको रिटेन में चाहिए कि सर स्टैट प्रो में क्या कराएंगे, अगर भरोसा है तो मान लीजिए कि स्टैट प्रो में कुछ बचेगा नहीं, ईटीएस में कुछ बचेगा नहीं, मुझे मेरा कहना है ये तो सॉफ्टवेयर जो है ना, ये तो कैलकुलेटर है, मेन रोल तो इनका है, ठीक है, जो प्रैक्टिस करते हो, जो गलत हो रहा है, जो स्ट्रक्चर ड्राइंग बना रहे, उनका मेन रोल है, ठीक है जी। वीडियो लंबी हो गई होगी, आप लोगों ने यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, जिस ग्रुप को आप ज्वाइन करके इस पूरे चीजों का सिलेबस वगैरह प्लस सारी इन्फॉर्मेशन उसी ग्रुप में ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।